एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फैब स्टाइल्स एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो. सो टुडेज वीडियो इज अगेन अ रिव्यू वीडियो. सो अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो सो यू माइट बी नोइंग कि मैं बहुत सारे यू नो कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी करती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. सो मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ अपने चैनल पर. तो ऐसा ही एक रिव्यू लेके आज मैं आई हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन एवरी सीज़न. ट्रस्ट मी गाइज, ये जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ ये हम इसको बहुत ज़्यादा यू नो इग्नोर करते हैं इस प्रोडक्ट को, बट दिस इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन आवर स्किन केयर रिजीम या फिर मेकअप रिजीम आप बोल लीजिए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैं आज आपको एक ऐसे ही सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैं इसको अराउंड 2-3 weeks से यूज़ कर रही हूँ. This is none other than Lotus Herbal Safe Sun Sunscreen Lotion with SPF 50+ and PA++++. देख सकते हैं इंग्रेडिएंट सारे दिए गए हैं इसमें. इट हैज़ कैलेंडुला एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट. सनस्क्रीन जेल आप जो चाहें बोल सकते हैं इसको, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. लोटस के 2-3 वेरिएंट्स आते हैं तो वो सारे के सारे वेरिएंट वो भी मैंने ट्राई कर रखे हैं जो ऑरेंज पैकेजिंग में आते हैं, बट दिस इज़ द वन विच आई हैव ट्राइड दिस ईयर और मैंने ये मंगाया है बिकॉज अभी यू नो एवरीबडी नोज के समर्स आ चुके हैं एंड इस बारी बहुत ज़्यादा इंटेंस समर आ रहे हैं. अभी लाइक अप्रैल से ही बहुत ज़्यादा हीट गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं. सो दैट्स वाई मुझे कुछ चीज़ों बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से यू नो एक गार्ड प्रोवाइड करे. सो दैट्स वाई मैंने SPF 50 में लोटस का सेफ सन मंगाया है एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स अवेलेबल इन इंडिया. मैं इसको अराउंड टू वीक से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ रियली गुड. ये बिल्कुल भी वाइट पैचेस नहीं छोड़ता है आपकी स्किन पे, और भी जिस तरीके के जो वाइट फिल्म छोड़ देते हैं सनस्क्रीन, ये उस तरीके की वाइट फिल्म बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है. दिस इज़ वेरी क्रीमी इन नेचर और बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाता है. आपकी स्किन बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है. व्हाट यू हैव टू डू जब भी आप बाहर जाते हैं, इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए बिकॉज यू नो घर में भी लाइट्स रहती हैं एंड अगर आप लाइट के एक्सपोजर में हैं तो आपको सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो SPF कम SPF का लाइक SPF 15 या 20 का आप यूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन, एंड अगर आप इंटेंस सन में बाहर जा रहे हैं तो 50+ यूज़ कर सकते हैं आप सनस्क्रीन. सो दिस इज़ SPF 50+. हाई UVA एंड हाई UVB प्रोटेक्शन करता है. वाटर एंड स्वेट प्रूफ है. येस एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस. लाइक मैं इसको 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है दैट दिस इज स्वेटर एंड वाटर प्रूफ एज वेल. इट इज़ एंटी पॉल्यूशन एंड प्रिजर्वेटिव फ्री. यूज़ कर सकते हैं ये ऑयल स्किन टाइप्स के लिए है, स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों के लिए है. सिंस मेरी ड्राई स्किन है तो मैं यू नो इसको फेशियल ऑयल लगाने के बाद इसको अप्लाई कर लेती हूँ. दैट मेक्स माई स्किन वेरी स्मूथ और बिल्कुल भी वाइट फिल्म नहीं छोड़ता. ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन लगा मुझे. एंड चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इट कंटेन इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं कैलेंडुला एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट. उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका मैं एक साइड में आपको डाल दूंगी अभी, तो आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं उस पे से. ये आता है 80 ग्राम्स में एंड इट रिटेल्स फॉर द प्राइस 545, बट ये मुझे 545 में नहीं मिला है. ये मुझे अराउंड 400 समथिंग में मिला है, 450 या समथिंग में मिला है. सो डिस्काउंट चल रहा था एंड इस पर हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है, स्पेशली अभी तो काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप कोई अच्छा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं एंड यू हैव ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है आपका, तो दिस इज़ द वन यू मस्ट ट्राई. ए बिग फैट थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट. इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग है एंड काफ़ी अच्छे कलर्स इसमें यू नो कलरफुल पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छे कलर्स यूज़ किए गए हैं. इसका जो कैप है वो भी काफ़ी स्टर्डी है, लीक प्रूफ है. एंड मैं इसका टेक्सचर आपको बता देती हूँ. सो इस तरीके का इसका टेक्सचर है वाइट एंड आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. बिल्कुल भी फ्रेगनेंस फ्री है.
लाइक जब ये थोड़ा सा वेट होता है तब इसमें हल्की सी फ्रेगनेंस आती है, अदरवाइज इसमें से बिल्कुल भी फ्रेगनेंस नहीं आती किसी भी तरीके की। तो जिन लोगों को फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम है, यू नो कई लोग होते हैं जिनको कॉस्मेटिक में यू नो बिल्कुल फ्रेगनेंस नहीं चाहिए होती है, सो दिस इज़ द वन, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम विद इन अ सेकेंड्स ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, कोई वाइट फिल्म नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने कुछ अप्लाई ही नहीं किया है। एंड ये काफ़ी स्मूथ कर दिया है इसने स्किन को, बिल्कुल भी यू नो चिपचिपा वाले जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सो या दिस इज़ रियली अ गुड प्रोडक्ट, यू मस्ट बाय। सो आई वुड गिव इट 9 out of 10 एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा डू यू लाइक माय वीडियोज़ और नॉट। ऑल्सो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस तरीके के और वीडियोज़ लेके आऊँ अपने चैनल पे। एंड आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो यहाँ पे एक रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इट्स टोटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट लॉट टू मी। पास में भी एक बेल आइकन है तो उसको भी प्रेस कर देना, जितने भी फ्यूचर में वीडियोज़ आने वाले हैं वो एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड या एंड बाय द वे इफ़ यू आर वंडरिंग ये मैंने क्या वेयर कर रखा है, बिकॉज यू पीपल यू नो आस्क ऑन इंस्टाग्राम कि आपने कहाँ से लिया ये, सो दिस इज़ फ्रॉम अमेजन, इसका भी काफ़ी जल्दी वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो इसी का हॉल वीडियो होगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।